आगे बढ़ते हैं। रितेश देशमुख अब अपना रुख रीजनल यानी कि मराठी फिल्मों की तरफ कर रहे हैं, लेकिन इन फिल्मों में रितेश एक्टिंग नहीं बल्कि करेंगे फिल्म को प्रोड्यूस। अब रितेश ने क्यों किया है मराठी फिल्मों की तरफ रुख और क्या है रितेश की इस नई फिल्म गेलो में, आइए जानते हैं खुद रितेश से। कभी एक्टर तो कभी प्रोड्यूसर, हर रंग में ऑडियंस करती है इनको पसंद और इस बार येलो रंग भर रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत स्वागत है रितेश न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। रितेश कितना इत्तेफाक रखते हैं जो मैंने कहा अभी? आई थिंक कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि हमेशा हम कोशिश दिल से करते हैं, यही सोच के करते हैं कि जो करते हैं वो लोगों को पसंद आए। और इस बार एक फिल्म प्रोड्यूस की है येलो और यही सोचता हूँ कि जितने प्यार से और जितने दिल से हमने बनाई है उसी तरह लोगों को भी पसंद आए, ऑडियंस को जो है अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो वो क्या चीज़ होगी? दो कोई चीज़। आई थिंक एक स्पेशल लड़की है और जिन पर ये फिल्म आधारित है वो खुद इस फिल्म में काम कर रही है और किस तरह एक स्पेशल लड़की अपने प्रॉब्लम्स को मात देते हुए एक स्विमिंग चैंपियन बनती है। और ये नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि इंडिया को दो बार सिल्वर मेडल स्पेशल ओलंपिक्स में जिताने वाली गौरी लाडगे है। रितेश, ऑडियंस को मैं वैसे बता दूं कि सलमान भाई ने ये फिल्म देखी थी रितेश की और सलमान जी का जो मूड है वो बिल्कुल बदल गया और उन्हें कहा गया अब इसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, सही बात है? हाँ, उन्होंने डिस्कस किया कि इसे हिंदी में बनाना चाहिए और वी आर वेरी एक्साइटेड टू टीम अप विद हिम टू मेक दिस फिल्म इन हिंदी। इस वक्त जो ऑडियंस आपको देख रही है न्यूज़ नेशन की, कुछ हमारे जरिए उन तक पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? सर, इतना कहना चाहूँगा कि येलो ये जरूर एक मराठी फिल्म है लेकिन इस हर थिएटर में इसे दिखाया जाएगा विद इंग्लिश सब टाइटल्स। तो अगर आपको इंस्पायर हो रहा है, आपको एक अलग फिल्म देखनी है तो ये फिल्म ज़रूर आकर देखिए और आई थिंक इंस्पायर हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम भी यही कहेंगे कि लोग जब सिनेमाघरों से पहुंचे तो एक ज़रूर एक फीलिंग लेकर आएँ जो आपने इसमें दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।